एपिसोड 3 फाइनल एग्जाम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाइप टीम दिखाई जाती है जो कि एक टेस्ट देते हैं और हमको एक एक करके सभी इंट्रोड्यूस होते हैं। गिज्मो अ बॉय जीनियस, उसके इन्वेंशन की सभी मिसाल देते हैं। जिंक्स एक जादूगरनी जिसका जादू एक बैड लक है, और आखिर में मैमथ विद इनहेंस स्ट्रेंथ, और ये तीनों कहलाते हैं हाइव। और हमको ये दिखाया जाता है कि इनका टेस्ट ये शख्स लेता है और हमको इस बंदे का नाम स्लेड पता चलता है, और वो कहता है कि मेरे साथ काम करने के लिए उन्हें एक टास्क कंप्लीट करना होगा एंड दिस टास्क के सभी टाइटल्स को खत्म कर दो। फिर एक बढ़िया सी ओपनिंग बजती है और ओपनिंग के बाद हमें साइबोक और बीस्ट बॉय एक रिमोट ढूंढते दिखाए जाते हैं, और साइबोक रिमोट का इल्जाम बीस्ट बॉय पे लगाता है, और बीस्ट बॉय कहता है कि मैंने नहीं किया, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वो बहस करते हैं। फिर रेवन उन्हें कहती है कि एक सिंपल हाथ से रिमोट चालू कर दो। फिर साइबोक और बीस्ट बॉय उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और फिर से लड़ते हैं, और तभी स्टारफायर और रॉबिन आकर उनकी लड़ाई रुकवाते हैं। स्टारफायर उनके लिए खाना लेने जाती है, पर वो खाना खाने लायक नहीं होता और उनको बाहर खाना पड़ता है। सब ये डिसाइड करते हैं कि खाने में क्या खाएं, और बीस्ट बॉय कहता है कि वो चाहे जो मर्जी हो लेकिन वो वेज होना चाहिए। फिर साइबो कहता है कि कम ऑन यार, एक बार नॉन वेज ट्राई करके तो देखो, और बीस्ट बॉय इज लाइक चुकर चू, छोड़ो यार बस हवा निकल गई। और स्टारफायर ये कहती है, मेरी राय में एक बड़ा पिज्जा मंगवाते हैं जिसमें अचार, केले और पुदीना के पत्ते हो। स्टारफायर, यहाँ लिखी हर चीज पिज्जा के लिए नहीं है। फिर इसके बाद हाइव अपना पहला वार करती है टाइटस पे, और ये क्या, ट्रक अपने आप ही चल रहा है, और वो एक बच्चे को बचाते हैं और वो ये देखते हैं कि उसमें टेडी बियर है और वो बात भी कर रहा है। व्हाट द हेल बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम। एंड ही इज एक्सप्लोड, और फिर तभी हाइव इंट्रोड्यूस होती है टाइटंस को। टाइटंस हाइव से लड़ते हैं, लेकिन हाइव का पल्ला टाइटंस पे बहुत भारी पड़ता है। साइबोक के ऊपर दो बंदे चढ़ जाते हैं और उसे उड़ा देते हैं, एंड रेवन के ऊपर जिंक्स और गिज्मो चढ़ जाते हैं, गलत मत समझना। फिर बीस्ट बॉय पिटने के बाद कहता है कि क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या कोई और भी है कि हमारी ये लोग ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो। एंड इसके बाद रॉबिन हाइव को चैलेंज करता है कि आजा भिड़ले मुझसे, रोबिन ने तीनों से लड़ेगा। शिट शिट, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कम ऑन आई एम सो एक्साइटेड। पूरे सीन की मां। फिर इसके बाद रेवन एंड बीस्ट बॉय थके हारे वापस आते हैं और उनको रॉबिन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर साइबोक और स्टारफायर भी आते हैं और रॉबिन के पूछने पर वो कहते हैं कि माफ करना लेकिन हमको रॉबिन नहीं मिला। स्टारफायर गुस्सा हो जाती है, लोग ऐसे ही गायब नहीं हो जाते, और साइबोक को हाइप से हारी हुई बात भी नहीं पछती, और ये सब बहस ही कर रहे होते हैं। तभी हाइव आ जाती है और इन सब की फाइट होती है। जिंक्स बीस्ट बॉय के लिए एक बैड लक बन जाती है और गिज्मो साइबोक की ले रहा होता है, और वो भी बहुत गंदी वाली, वो उसका हाथ चुरा देता है। ओपे वो हिलाएगा कैसे। एंड मैमथ रेवन एंड स्टारफायर के पीछे पड़ता है। शिट, महिला हेल्पलाइन को फोन करो, महिला हेल्पलाइन को फोन करो। बात है जी, एक्टिंग की। और ये तीनों हमारे टाइटल्स को लात मार के फेंक देते हैं, और अब सब बहुत ही निराश होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी, वो अपनी उम्मीद हारने ही वाले होते हैं। तभी रॉबिन आ जाता है और फिर हाइव टाइटन्स के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करती है। जिंक्स को कपड़े नहीं मिलते, मैमथ उनका खाना खाता है, और गिज्मो अपनी फेवरेट मैगजीन ढूंढता है, और मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कौन सी मैगजीन है। एंड फिर इसके बाद साइबो का हाथ एक्टिवेट होता है और चुपके से अलार्म साउंड कर देता है, और गिज्मो को मिडल फिंगर दिखा के उसे हवा में उड़ा देता है। जिंक्स को टेलीपोर्ट किया जाता है और मैम को धकेला जाता है, और फिर ये सभी रूफ पे पहुंचते हैं और इन्हें दोबारा टाइटंस मिलते हैं, और अब शुरू हो चुका है राउंड टू, और अब टाइटंस का पड़ला भारी पड़ता है। अब साइबोक गिज्मो को शॉक देता है, बीस्ट बॉय जिंक्स को उसका ही बैड लक चिपका देता है, और मैमथ पे एक दो तीन चार पांच जाने मिलकर उसकी अच्छी वाली मारते हैं। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। और हाई पूरी हार जाती है, गिज्मो के मुंह से स्लेड का नाम निकल जाता है, और रॉबिन पूछता है कि ये स्लेड कौन है, और गिज्मो कहते हैं कौन कौन स्लेड, तुम्हारा मतलब मेरी मां। हां, फिर इसके बाद हाइव की चीफ स्लेड को सॉरी कहती है, और
वो ये कहती है कि वो हाइव को अच्छा सबक सिखाएंगे, लेकिन स्लेड कहता है कि दरअसल तुम्हारे स्टूडेंट्स ने मेरा काम कर दिया, उन्हें बस मेरा संदेशा पहुंचाना था उनके तक और उन्होंने पहुंचा दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और उनको रिमोट भी मिल जाता है और एपिसोड भी एंड हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और मुझे सोचते हैं कि तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आ रहा है, तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तुम्हें पता यार तुम्हें क्या करना है। गुड बाय।